मैं ज़ीनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लूपस की इजनेस के बारे में बात करेंगे। अब आप सोचोगे इजनेस का क्या मतलब है। इजनेस का मतलब है एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ लूपस, एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट एज इट इज़। इट टुक मी मोर देन 5 ईयर्स टू अंडरस्टैंड कि लूपस इज़। बहुत बार आपने इस चैनल पर मेरे मुँह से ये सुना होगा कि लूपस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ, और एक टाइम पे मैं सोचती थी लूपस इज़ द बिगेस्ट कर्स ऑफ माय लाइफ। कभी लूपस को मैंने कर्स बोला, कभी ब्लेसिंग बोला, पर ये जो मीनिंग लूपस को मैं देती रही पिछले कुछ सालों में, वो बदलता रहा टाइम के, मौके के, पर्सपेक्टिव के, बहुत रीजंस की वजह से वो जो मीनिंग है वो चेंज होता रहा। बट एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं बदली पिछले 5 सालों में, वो ये कि लूपस इज़, लूपस है सच्चाई। रियलिटी ऑफ द मोमेंट इज दैट आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद लूपस। अब आप कहोगे कि ये तो सबको पता ही है, इसमें क्या है बात बताने वाली। ये बात इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि द वे वी डील विद लूपस इज़ द वे वी डील विद लाइफ। जब मुझे लूपस का डायग्नोसिस मिला था, तो सबसे पहली चीज़ जो मतलब रोने के बाद, परेशान होने के बाद, कुछ दिन का वो जो मोड आता है जहाँ पे आपको लगता है कि योर लाइफ हैज़ एंडेड, उसके बाद जो वॉरियर मोड में मैं चली गई थी, दैट इज़ द वे आई यूज़ टू हैंडल ऑल ऑफ द लाइफ्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस। और लूपस वाज नो डिफरेंट। आई वांटेड टू फाइट विद लूपस। फाइटिंग का मतलब है आपको इस मोमेंट की रियलिटी पसंद नहीं है और आप इसको रिजिस्ट कर रहे हो, आप इसको फाइट कर रहे हो, और आप एक्शन ले रहे हो उसको फाइट करने के लिए। आप वॉरियर मोड में चले गए और आपके हाथ में तलवार है और आप लड़ने के लिए तैयार हो। बट लूपस आपकी लाइफ की और प्रॉब्लम से बहुत डिफरेंट है क्योंकि आप लूपस से लड़ नहीं सकते। आप किसी भी बीमारी से लड़ नहीं सकते क्योंकि लड़ते लड़ते ही तो आप यहाँ तक पहुँचे हो कि आपकी बॉडी में अब एनर्जी नहीं है और लड़ने की। तो लूपस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट हेल्प यू एक्सेप्ट द प्रेजेंट एज इट इज़। कोई भी डिजीज़ हो, नॉट जस्ट लूपस, इट हेल्प्स अस एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़, द प्रेजेंट मोमेंट, द रियलिटी एज इट इज़। और आप जितना भी चाहो लड़ के आप इस प्रॉब्लम को, इस डिजीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज्ड वाज दिस ईयर इन 2024 वाज आई हैव टू एक्सेप्ट लूपस एज इट इज़, दैट आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद लूपस। एंड ट्रस्ट मी, ये बोलने में और इसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इससे पहले तो मैं सिर्फ लड़ती आ रही थी कि मैं इसको ओवरकम करूँगी, मैं कुछ भी करके, माइंडसेट को चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज, बेसिकली आई वांटेड टू ओवरकम इट, आई वांटेड टू फाइट इट। बट जैसे ही इस साल मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई क्राइड। क्योंकि और उस मोमेंट से पहले तक मैंने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि आई हैव बीन डायग्नोस्ड। मैं इस रियलिटी से रूबरू होना ही नहीं चाहती थी कि आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद सच अ कंडीशन। तो जब तक आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप लड़ते रहोगे और आपकी एनर्जी लड़ने में ही वेस्ट होती जाएगी, ना कि इस प्रॉब्लम से, इस डिजीज से डील करने में। तो इसलिए फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट मोमेंट, द रियलिटी ऑफ लूपस एज इट इज़, नॉट फाइटिंग इट। सेकेंड इज़ डीलिंग विद इट। अब डील करने के बहुत तरीके हैं। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये है जैसा है, मैं इसको ऐसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो इसको डील करना के लिए आपके पास मेडिकल हेल्प है, आप और स्पिरिचुअल हेल्प भी ले सकते हो, और भी बहुत तरीके की हीलिंग अवेलेबल है। बट आपका जो रिस्पॉन्स है लूपस को लेके, वो बहुत डिफरेंट है इन दोनों सिनारियोज में, लड़ते टाइम और डील करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डील करने में एक ठहराव है, एक स्टेबिलिटी है, एक एक्सेप्टेंस है, बट लड़ने में एक क्योस है, एक पागलपन है, एक जो भागने की जो नेचर है वो है कि आप लड़ रहे हो, आप भाग रहे हो रियलिटी से, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको रियलिटी में आके, प्रेजेंट में आके एक्सेप्ट ना करना पड़े कि यू हैव बीन डायग्नोस्ड विद लूपस। एंड इवन यूट्यूब पे जो इतने कमेंट्स वीडियोस पे आते हैं, उन सब में मोस्टली आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम
हम लोग फेस करते हैं, जो बार बार कमेंट्स में दिखता है, वो ये कि मैं ये कैसे मान लूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। आई एम ओनली 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, माई चाइल्ड इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, हाउ कैन आई बी डायग्नोस्ड। हम हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये मेरे को क्यों हुआ, ये कैसे हो गया। वो सब क्वेश्चन पूछना वाजिब है, मतलब यू मस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस ऑल्सो, बट वी हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट कि रियलिटी तो ये है कि आप डायग्नोज आपको आपको डायग्नोसिस मिली है, आप उससे भाग नहीं सकते, क्योंकि लड़ने का मतलब ही है कि आप उससे रेजिस्ट कर रहे हो, आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हो, आप मानना ही नहीं चाहते हो कि आपको लुपस हो गया है। तो अल्टीमेटली दिस ईयर आई हैव एक्सेप्टेड लुपस एज इट इज़, एंड आई गॉट माई टेस्ट डन। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने टेस्ट कराए एंड माई इन्फ्लेमेशन मार्कर्स हैव गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली, विच इज़ वेरी गुड। एंड पिछले 3 महीने से मैं HCQS पे हूँ। स्टेरॉइड्स मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके जस्ट बाद छोड़ दिए थे, तो आई एम करंटली ऑन HCQS। कभी मुझे पेन होता है तो मैं सिर्फ पेन किलर कोई यहाँ पे अमेरिका में एस्पिरिन होती है, इंडिया में मुझे नहीं पता, बट पेन किलर कोई लेके, बहुत ही एडविल जो है यहाँ के पेन किलर का नाम है, वो मैं ले लेती हूँ, सिर्फ एक टैबलेट, विच इज़ वेरी माइनर डोज। इफ़ नीडेड मैं वो पेन किलर लेती हूँ, बट करंटली आई एम ऑन 300 mg HCQS एवरी सिंगल डे। एंड मैं अपने टेस्ट वगैरह करा रही हूँ जो भी डॉक्टर ने रेकमेंड किए हैं, बट अदरवाइज़ लाइफ इज़ गुड, लाइफ इज़ गोइंग वेल। समटाइम्स सम डेज आर हार्ड, आई विल एक्सेप्ट कि कुछ दिन ऐसे, कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत दर्द है, तो उन दिनों में आई हेल्प माई सेल्फ बाई यूजिंग अ पेन किलर, बट अदरवाइज लाइफ इज़ गोइंग वेल, लाइफ इज़ गोइंग गुड। आप लोगों के कंसर्न के लिए, कॉमेंट्स के लिए, प्यार के लिए थैंक यू सो मच ऑलवेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, टेक केयर, बाय बाय।